सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। ऐसा ठीक नहीं है कि हम अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और जीना ही भूल जाएं। कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसे बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गवाएं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:42 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:55 से 11:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, दिन शांत रहेगा। पिछले दिनों के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं इसलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। अभी घरेलू मामले आपके दिमाग में हो सकते हैं। भाई बहन या माता पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक उत्सवों का आनंद, क्लब में पार्टी या रेस्टोरेंट का मजा लेने के लिए समय निकालें। धन का सदुपयोग करें और फिजूल खर्चे से बचें। अच्छा, आपको लग सकता है कि नई योजना को शुरू करने के लिए अभी समय उचित नहीं है, इसीलिए कुछ देर के लिए कार्य को स्थगित कर दें और योजना फिर से बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ध्यान को केंद्रित करें। याद रखें, सच कुछ देर तक छुपाया जा सकता है किंतु उसे हराया नहीं जा सकता। दिन शांत रहेगा। पिछले दिनों के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावना है और इसके चलते आप शीघ्र ही खेल कूद में हिस्सा ले सकती हैं, जो आपके खर्चे और बिल आदि को संभाल लेगा। आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है। रोमांचक दिन है क्योंकि आपके प्रिय का फोन आएगा। हालांकि वरिष्ठों से कुछ विरोध के स्वर सुनाई देंगे लेकिन फिर भी आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। आज के दिन शुरू किया गया निर्णय का कार्य आज के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होगा। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता पूर्ण बातों का सही समय है। आज ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक स्थितियां बना रहा है, इसका भरपूर सम्मान करें। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ फायदेमंद योजनाएं बनेगी, उन पर तुरंत काम भी हो जाएगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर सजग रहेंगे। किसी से नाराजगी न रखें, अहंकार में आकर कोई काम न करें। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करने की जरूरत है। ज्यादा कामों में खुद को उलझाए रखने से कार्य क्षमता कम हो सकती है। कोई काम सही तरीके से पूरा न होने से दिक्कतें होगी। करियर में आ रहे बदलाव महत्वपूर्ण है, आपके द्वारा कोई गलती ना हो इस बात का खास ध्यान रखें। आपका रिलेशनशिप आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस बारे में विचार जरूर करें। सेहत ठीक रहेगी, वजन नियंत्रित रखें। आज कठिनाइयों के बाद भी आप अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्यों को व्यवस्थित करेंगे। धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। पारिवारिक कामों को लेकर करीबी रिश्तेदारों के बीच तनाव हो सकता है। किसी भी नए निवेश को फिलहाल टाल दें। व्यावसायिक गतिविधियों में कोई भ्रम होने पर परिवार के सदस्यों से सलाह लें। सावधानियां, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्तपूर्ण दिन व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने करियर संबंधित किसी परेशानी की वजह से मार्गदर्शन की जरूरत है।
मेहनत वाला समय है लेकिन जल्दी ही इसके बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छुपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इसे आपके संबंध में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा मिल सकता है। आपके विरोधी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपके उत्साह को कम नहीं कर सकती। आपका परिवार आपके साथ है और प्रेम जीवन भी समृद्ध है। साथ में किया सफर आपके प्रेम की आग को और भी अधिक भड़का सकता है। इसे आप एक दूसरे से दूर रहने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। आज पूरी तरह से तैयार होकर अपनी लक्ष्य और मिशन पर काम करें। कोई भी समस्या आए तो निराश ना हो। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। इस अहम मौके पर अपने साथी की भी सलाह लेना ना भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें। बात करते हैं करियर की। संकट आपके प्रयासों से दूर होंगे जिससे आपकी प्रशंसा होगी। आपके कौशल और गुण आपकी निधि हैं। इसे आप हर जंग जीत लेंगे। आज किसी यात्रा की योजना रद्द हो सकती है, उसमें विलम्ब हो सकता है। उन गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें जिससे आपको खुशी मिलती है। आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने के इच्छुक हैं। अंतरात्मा की सुने और अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करके ही निर्णय लें। यह समय उदास होने का नहीं है। तैयार हो जाएं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। अगले कुछ दिनों में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। याद रखें, हर सफलता के रास्ते का एक पड़ाव है। आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर करने के तरीके पर गौर करेंगे। हालांकि वित्तीय प्रबंधन आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, आपके लिए धन संचित करना भी मुश्किल होगा। अटका हुआ धन मिल सकता है किसी धार्मिक स्थल पर जाने से। आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। समाज में मानहानि और अपमान की स्थिति भी बन सकती है। विचारों को सकारात्मक कार्यों में बदलें। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होगी। नए काम की शुरुआत के लिए समय ठीक नहीं है। कईयों को संभल कर काम करना होगा। इस समय अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर न करें, वरना आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले सकता है। सरकारी नौकरी में अधिकारियों से उलझना ठीक नहीं है। बात करते हैं सेहत की। आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। आज के दिन एथलीटों और अन्य खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उन सबको अच्छी खासी सफलता मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आप अपने शरीर में ऊर्जा का अजबरदस्त प्रवाह अनुभव करेंगे और आपका दिमाग भी तरोताजा और सक्रिय बना रहेगा। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज जब गरीबों को चावल या गेहूं के आटे का दान करें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।